हाय फ्रेंड्स, मैं आरती अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक डोरमेट बताने वाली हूं। आप लोग इसे डोरमेट या पूजा का आसनी या आप लोग खाने के डाइनिंग टेबल पर भी इसको रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें आप लोगों का स्वेटर का डिज़ाइन बताई हूँ, जो कि मैं बचे हुए ऊल से इसको बना रही हूँ। तो इसमें मैं 51 फंदे डालकर उसके बाद इस डिज़ाइन को बनाई हूँ। और आप लोग इसे इस तरह से रख कर आगे इतना बड़ा बना सकते हैं। कम से कम आप लोग 2 बित्ता इस तरह से नाप कर बना लीजिएगा। और फिर उसके बाद मैं इसको आगे आप लोगों को बताऊंगी जो इसको कैसे डोरमेट बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं देखिए यहाँ पर डिज़ाइन बनाई हुई हूँ थोड़ा दूर, और आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसे बनाना है। तो आप लोग सीधी तरफ से आप लोग 9 नंबर की सिलाई पर इसको बचे हुए ऊल लेकर या एक भी कलर में बना सकते हैं। तो आप लोग पहला फंदा सीधा बुन लीजिएगा, और फिर बाकी के जो फंदे हैं उसमें आपको इस तरह से 2 बार ऊल को लपेटकर सीधा बुनाई करते हुए सीधी तरफ से आपको कंप्लीट करनी है। तो आप लोग 2 बार ऊल को लपेटिएगा और सारे फंदे में आपको इसी तरह से करना है। तो उल्टी तरफ से ये डिज़ाइन बनता है, तो मैं आपको उल्टी तरफ में डिज़ाइन बनाऊंगी। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो फ्रेंड्स, उल्टी तरफ में आप लोग देखिए, जो 3 फंदे को आप लोग उतारिएगा इस तरह से इस सिलाई पर से, और इस तरह से इस पर रखिएगा, और फिर इसको आप लोग एक सीधा बुनिएगा, फंदे को इधर लाइएगा, एक उल्टा बुनिएगा, फंदे को पीछे ले जाइएगा, फिर सीधा बुनिएगा, फिर इसको आपको उतार लेना है। फिर 1 2 3 3 फंदे को उतारना है और इस सिलाई पर रख कर एक सीधा फंदा आगे करके ऊल आगे करके एक उल्टा, फिर पीछे ले जाइएगा एक सीधा। इस तरह से आपको इस सिलाई में इस डिज़ाइन को बनाना है। 3 3 फंदे उतार कर आप लोग इसी तरह से डिज़ाइन बनाइएगा, एक सीधा, एक उल्टा, फिर ऊल उधर ले जाइएगा पीछे, और फिर एक सीधा बनाइएगा। तो इसी तरह से आप इस सिलाई को 3 3 फंदे सिलाई पर से उतार कर आप लोग इस तरह से इस डिज़ाइन को बना लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बन गया है। और उसके बाद ये जो आपको उल्टी लाइन दिखाई दे रहा है डिज़ाइन के बाद, तो वो आप लोग सीधी तरफ से सारे फंदे को आप लोग सीधी बुन लीजिएगा, और उल्टी तरफ से भी आप लोग सीधी बुनिएगा। तो ये आपका उल्टी लाइन बन जाएगा। तो आप लोग अगर बहुत चौड़ा चाहते हैं तो 101 फंदे डालकर उसके बाद इसको बनाइएगा, और जितना आपको लंबाई करना हो उस तरह से आप लोग इसको बुनिएगा। अगर थोड़ा सा उससे कम चाहते हैं तो आप लोग 81 फंदे डालकर फिर इस डिज़ाइन को डालिएगा और बनाइएगा। तो आपका ये डोरमेट बनकर बहुत ही सुंदर लगेगा। आप एक कलर में भी बना सकते हैं, और बचे हुए ऊल से कम आप लोग 200 ग्राम ऊल ले लीजिएगा। तो आपका एक बड़ा सा पूजा का आसनी या डोरमेट या टेबल क्लॉथ जो इसको आप लोग बना सकते हैं इस डिज़ाइन में, वो आप बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग डिज़ाइन बनाने के बाद इस तरह से लास्ट में आप लोग चाहे तो ये बॉर्डर डाल सकते हैं इधर भी, और नहीं तो आप लोग सीधा उल्टा बुनकर उसके बाद इधर उल्टी तरफ से आप लोग इसको 2 फंदा का एक करते हुए इसको बंद कर लीजिएगा। सारे फंदों को आपको इसी तरह से 2 फंदा का एक करना है। तो आप लोग आगे एक क्रोशिया तैयार रखिएगा, तो मैं आपको क्रोशिया से डिज़ाइन करना बताऊंगी, ताकि आप लोग इसका किनारी कर लीजिएगा। तो ये डोरमेट आपका और ब्यूटीफुल बनकर लगे। तो इस तरह से आप लोग सारे फंदे को बंद कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद मैं 10 नंबर की क्रोशिया ली हूँ, और आप लोग इस तरह से इसका किनारी बनाने के लिए 4 चेन डालिए बनाइएगा, और इस तरह से थोड़ी दूर पर आपको सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट करते जाना है। 3
चार, फिर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, तो आपको चारों तरफ इस तरह से बना लेना है। और फिर इसमें आप लोग डबल क्रोशिया डालते हुए इस चेन को भरना है। तो आप लोग पहले ये चेन डालकर इसको पूरा कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं चेन के बाद इसमें डबल क्रोशिया डाली हूँ, जो इसका मैं किनारी बनाई हूँ। तो आप लोग इसी तरह से अपने पूजा आसनी में किनारी बनाइएगा। तो इस तरह से देखिए, इस चेन के अंदर में आप लोग डबल क्रोशिया डालिएगा। तो आपको इसमें जितना डालना हो, चार डाल सकते हैं, पांच डाल सकते हैं, छः सात भी डाल सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग इसमें डबल क्रोशिया डालकर फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट करिएगा। फिर आगे जो चेन है उसमें आप लोग इस तरह से डबल क्रोशिया डालते हुए इस पूजा आसनी को आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये आप लोग 9 नंबर की सिलाई या 10 नंबर की सिलाई पर इसको बचे हुए ऊन से रंग बिरंगा में अगर बनाना चाहे मल्टी कलर ऊन से, तो आप लोग इस तरह से इसको बनाइएगा। ये लास्ट चेन में आप लोग इस तरह से डालते हुए इसको जॉइंट करिएगा और फिर सीजर से इसको कट कर लीजिएगा। तो ये आपका बनकर देखिए तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ बॉर्डर है, इसीलिए आपको यहाँ टेढ़ा लग रहा होगा। तो आप लोग सिंपल में भी फंदे डालकर और इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये बनकर कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग इसको लंबाई में बनाना चाहते हैं तो आप लोग 51 से ज़्यादा फंदे डालिएगा। अगर चौड़ाई में बनाना चाहते हैं तो आप लोग थोड़ा सा डिज़ाइन ऊपर और बनाइएगा। तो मैं अब वीडियो कहीं समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।